आज लखनऊ में दिखा अद्भुत नज़ारा, जगह जगह लगाया गया भंडारा। भंडारे में गिलास लेकर शरबत बांटते रहे लड़के और लड़कियां। आप देख रहे हैं लाइव स्क्रीन पर दो बच्चे दो गिलास लेकर के सड़क पर आने जाने वाले लोगों को किस तरह से सेवा भाव से शरबत पिला रहे हैं। यही तो है सनातन की महानता। आप देख रहे हैं, ये लड़का मारुति कार वाले के पास जाता है और मारुति कार वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसे आप देखते रहेंगे कि कहते हैं ना, इंडिया के लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो लाइन लगा करके खड़े होकर को वही चीज़ लेंगे, लेकिन अमृत भी अगर आपको शुल्क दिया जाता होगा तो लोग राख चले जाते हैं। ऐसी ही चीज़ें हम आपको ये लाइव स्क्रीन के दौरान दिखा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों ने प्रोग्राम रखे, सुंदर कांड का पाठ किया गया, कहीं कहीं पर हनुमान चालीसा जी का पाठ किया गया और जगह जगह पर किसी ने पूड़ी पकवान बना करके आने जाने वाले राहगीरों को भोजन कराया, किसी ने मीठे पानी का शरबत बना करके आने जाने वाले लोगों को शरबत पिलाया, किसी ने मंत्रोत्ताज के साथ भगवान की मूर्ति रख करके सुंदरकांड भजन कीर्तन इत्यादि का संकीर्तन किया। भंडारे के लिए हलवाई लगाए गए, जगह जगह पर ये सारा माहौल देखने को मिला। साथ ही हम आपको बताते चले कि ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लखनऊ के अंदर आज इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। भंडारे तो कई जगह पर लगे हुए थे, प्रोग्राम तो कई जगह पर हो रहे थे, लेकिन जिस सेवा भाव से ये दो बालक और बालिका बीच सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को किस श्रद्धा भाव के साथ में जलपान करा रहे हैं, ऐसी श्रद्धा पूरे लखनऊ के अंदर नहीं दिखी। ये बहुत बड़ा सराहनीय विषय है। आज की नव युवा पीढ़ी सनातन से कितना प्रेम कर रही है, धर्म कार्य में किस तरीके से व्रत है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सनातन का प्रचार प्रसार इसी माध्यम से हो सकता है। साथ ही हम आपको बताते चलें, लखनऊ ही नहीं, आज पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा चेट का मंगलवार का दिन मनाया गया। लोग तमाम तरीके से, किसी ने बूंदियाँ बांटी, किसी ने पूरी सब्जी खिलाई, किसी ने केले बांटे, किसी ने फल बांटे, किसी ने खीरा ककड़ी इत्यादि का जो है भंडारा किया। यानी जिसकी जैसी श्रद्धा उसी हिसाब से लोगों ने अपने अपने बजट के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बीच रोड के किनारे खड़े होकर धूप में आने जाने वाले राहगीरों को ज़रूरतमंदों की सहायता की, उन्हें भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया। आपने एक श्लोक और दोहा तो सुना ही होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है ये एक सनातन की सबसे बड़ी अच्छाई है, जो असहाय लोगों की सहायता करना ही सिखाता है। कहा गया है, परेशान उपकारा परोपकारा कथते, परेशान व्यक्ति का अगर सहयोग कर दिया जाए वही परोपकार होता है, वही उपकार होता है। तो ऐसी ही जगह जगह पर आज लगियां लखनऊ के अंदर देखने को मिली। ये इस माह का तीसरा मंगलवार था। इस दिन भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना की जाती है और उनके ध्यान के साथ में जगह जगह पर भंडारा किया जाता है। भारत की खूबसूरती इसी से जानी पहचानी जाती है। साथ ही हम आपको बताते चलें, ये भंडारे में आने जाने वाले लोग, जलपान करने वाले लोग विशेष समुदाय या कहें हिंदू धर्म के ही नहीं अपितु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा सिद्ध करते हुए जगह जगह पर कहीं सरदार जी लोग दिखाई दें, कहीं पर मुस्लिम लोग भी भंडारे में लाइन लगाए खाना के लिए दिखाई दें, कहीं कहीं पर तमाम प्रकार के लोग, तमाम समुदाय के लोग इस जो है समारोह में अपनी भागीदारी की बातें दिखाई दी। तो लोगों ने पूरे श्रद्धाओं के साथ में इस प्रोग्राम को सफल बनाया।